गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 बी. आई एम मीनाक्षी अग्रवाल. आई टॉट यू द पोएम फायर एंड आइस इन माई लास्ट टर्न. टुडे वी शैल डू द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टैंजास ऑफ द पोएम. तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टैंजा. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. पोएम तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए अब क्वेश्चन आंसर पर डायरेक्ट आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएट कंसीडर्स डिजायर एज फायर इज. ट्रू और फॉल्स. कवि इच्छाओं को आग मानता है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो बच्चों ये तो सत्य कथन है. द पोएट कंसीडर्स डिजायर एज फायर, दिस इज ट्रू. ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है. बिकॉज fire does not extinguish as long as it is provided with fuel. In the same way there is no end of desire as long as we fulfill it. Clear hai? Dekh rahe hai bachcho? Fir se ek bar. द पोएट कंसीडर्स डिजायर एज फायर, दिस इज ट्रू. क्योंकि यही पूछा है ना कि सही है कि गलत, तो दिस इज ट्रू. अब क्यों सही है ये भी आप बता दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा. बिकॉज फायर डज नॉट एक्सटिंग्विश. एक्सटिंग्विश माने होता है बुझना. आग बुझती नहीं है. एज लॉन्ग एज माने तब तक. एज लॉन्ग एज इट इज प्रोवाइडेड विथ फ्यूल, जब तक इसको ईंधन मिलता रहता है. इन द सेम वे, उसी तरह से देयर इज नो एंड ऑफ डिजायर, हमारी इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है. एज लॉन्ग एज वी कंटिन्यू टू फुलफिल इट, जब तक हम इसे जो है पूरा करते रहते हैं तो ये भी कभी समाप्त नहीं होती. एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा जन्म लेती रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट टाइप ऑफ डिजायर will cause the end of the earth. किस तरह की इच्छा इस धरती के अंत का कारण बनेगी? तो आंसर है the desire which makes a person greedy. ऐसी इच्छा जो किसी व्यक्ति को लालची बना देती है and unlawful, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो गैर कानूनी तरीके का भी सहारा लेने लग जाता है. लॉफुल माने जो कानून का पालन करे, अनलॉफुल माने जो कानून को न माने. विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ, वो इस धरती के विनाश का कारण बन सकती है. बच्चों हमने इसमें एक अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल भी दिया है, मैं उसे समझा रही हूँ. आप एग्जाम में उसको मत लिखिएगा, लेकिन मैं आपको क्लियर करने के लिए कि कैसे हमारी जो इच्छाएं हमारा जो है इस विश्व को अंत कर सकती हैं. तो अभी आप सबने कोरोना के बारे में सुना है, और आप सबने भी सुना होगा कि इसका वायरस चाइना के द्वारा छोड़ा गया. तो चाइना ने क्यों छोड़ा? क्योंकि चाइना के अंदर इच्छा थी सुपर पावर बनने की. तो इसलिए उसने एक ऐसा वायरस तैयार किया जिससे पूरे विश्व के लोग परेशान हो गए, कितने लोग मर गए. तो मैंने वो एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिया है, आपसे परीक्षा में नहीं लिखिएगा. तो मैं आपको बता रही हूँ, we have the latest example of the desire. इस इच्छा जो लालची और unlawful बन जाती है, ऐसी इच्छा का एक एकदम नवीन उदाहरण है China to satisfy its desire to become supreme power of the world release the fatal virus COVID-19. कि China नामक देश ने अपने आप को पूरे विश्व का मालिक, सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए जो है COVID-19 नामक वायरस को छोड़ दिया. रिलीज द फैटल वायरस COVID-19. एज अ रिजल्ट इन्यूमरेबल पीपल आर डाइंग इन आर कंट्री. उसके परिणाम स्वरूप अनगिनत लोग हमारे देश में मर रहे हैं, और केवल हमारे देश में नहीं, एज वेल एज इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितने ही लोग अकारण असमय मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी पॉपुलर व्यूज डज द पोएट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड. कवि संसार के अंत के लिए कितने पॉपुलर माने लोकप्रिय विचारों को इस कविता में प्रस्तुत करता है. तो
रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हमने क्वेश्चन से ही इसका लिया इतना हिस्सा, रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत के संबंध में, द पोएट प्रेजेंट्स टू व्यूज, कवि दो व्यूज, व्यूज मैंने विचार रखता है, एक तो है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इस धरती का अंत आग में होगा, एंड द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, दूसरा है कि ये संसार जो है बर्फ से मरेगा। तो ये दोनों विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स वर्ड। बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो हर पोएम के, हर स्टैंजा के लिए कंपलसरी है। सबसे पहला क्वेश्चन आप इसी को तैयार किया करिए कि जो स्टैंजा आया है वो किस पोएम का है और इसके पोएट कौन है। तो द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस एंड इट्स पोएट इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, और कविता का नाम है फायर एंड आइस और इसके कवि कौन है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। और एक क्वेश्चन बच्चों राइमिंग वर्ड पर भी आप लोग जरूर तैयार किया करिए। तो इसमें राइमिंग वर्ड पे क्वेश्चन मैंने बनाया है, मेंशन द राइमिंग वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टैंजा, जो आपका फर्स्ट स्टैंजा चार लाइन आई उसमें राइमिंग वर्ड्स क्या है। द फायर एंड डिजायर आर द राइमिंग वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टैंजा एंड द राइमिंग स्कीम इज ए बी ए ए। अब इसको कैसे बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। स्टैंजा देखिए बच्चों, पहले लाइन का एंड होता है फायर से, दूसरे से, दूसरे का आइस से, तो फायर ए हो गया, आइस बी हो गया, फिर थर्ड लाइन है डिजायर, ये ए हो गया, और फोर्थ लाइन में भी है फायर, तो ये भी ए हो गया। तो ए बी ए ए, ये तो राइमिंग स्कीम हो गई। और वर्ड्स कौन से राइम कर रहे हैं, फायर और डिजायर, क्योंकि फायर दो बार है तो आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो फायर राइम्स विद डिजायर या फायर एंड डिजायर आर राइमिंग वर्ड्स। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टैंजा में। बट सेकेंड स्टैंजा देखिए बच्चों, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये स्टैंजा भी हम पढ़ा चुके हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कवि कह रहा है यदि इसे दो बार होना है तो आइस भी पर्याप्त कारण है और ये भी संसार को नष्ट कर सकती है। तो अब इसका क्वेश्चन देखिए, ओडेन नैश इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का आपके फर्स्ट स्टैंजा में भी था, इसमें भी है। तो ओडेन नैश इस कविता के कवि हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ओडेन नैश इज नॉट द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कवि का नाम ओडेन नैश नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इट्स पोएट इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इसके कवि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट सिंबलाइजेस आइस, आइस किस बात का प्रतीक है, सिंबलाइजेस मीन्स प्रतीक, आइस किस चीज का प्रतीक है, तो आपको आइस का बताना है कि वो किस चीज का प्रतीक है। एक सेकेंड बच्चों, ये उड़ने लगता है। हियर आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड, हियर आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड इन वंस हार्ट। आइस किससे सिंबलाइज करती है, व्यक्ति के हृदय में पलने वाली हेट्रेड, नफरत से। द आइस ऑफ हेट्रेड कंसील्स ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन हु वेलकम्स इट टू हिज हार्ट। क्यों, क्योंकि आइस ऑफ हेट्रेड, नफरत की बर्फ, कंसील्स माने छुपा देती है, दबा देती है, ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति के सभी सद्गुणों को, हु वेलकम्स इट टू हिज हार्ट, जो नफरत को अपने हृदय में जगह दे देता है, अपने हृदय में उसका वेलकम करता है, यानी उसको अपने हृदय में स्थान दे देता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर सिम्बलाइजेस विथ, अब यहाँ पे डैश 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 करके छोड़ दिया है कवि ने, तो आपको बताना है कि डिजायर किससे सिम्बलाइज करती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर सिम्बलाइजेस विथ फायर, इच्छा किससे जो है सिम्बलाइज करती है, आग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई होम द पोएम फायर एंड आइस इज कम्पोज, ये तो पहले भी हमने बताया कि ये क्वेश्चन कंपल्सरी है, तो पूछने का बस तरीका अलग हो गया है। द पोएम फायर एंड आइस हैज बीन कम्पोज बाई फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट।
फायर एंड आइस नाम की ये कविता प्रसिद्ध अमेरिकन कवि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सेम पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स बताना है, तो द राइमिंग वर्ड्स इन द सेकेंड स्टैंजा आर कौन कौन से, ट्वाइस, आइस एंड सफाइस एज वेल एज हेट एंड ग्रेट। सेकेंड स्टैंजा में 5 लाइन है, इसमें से 3 लाइन के अंत में ट्वाइस, आइस और सफाइस है, और 2 लाइन जो है उसमें हेट और ग्रेट है। तो ट्वाइस, आइस और सफाइस की साउंड जो है क्या है, सेम है, हेट और ग्रेट की साउंड सेम है। तो आप कैसे लिखेंगे, द राइमिंग वर्ड्स इन द सेकेंड स्टैंजा आर ट्वाइस, आइस एंड सफाइस एज वेल एज हेट ग्रेट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थी द ट्वाइस राइम्स विथ आइस एंड सफाइस एंड हेट राइम्स विथ ग्रेट। हियर द पोएट हैज यूज द राइमिंग स्कीम ए बी ए बी ए। अब इसको कैसे बताना है, देखो ऐसे फर्स्ट लाइन में क्या है आपके, देखिए ट्वाइस, ट्वाइस को आप ए मान लीजिए, हेट को बी, आइस को फिर आप जो है ए मान लीजिए, फिर ग्रेट को बी और सफाइस को ए, तो ए बी ए बी ए। और यदि पूरी पोएम को एक मान लेंगे तो फिर वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आपका ये क्लियर हो गया, पोएम कंप्लीट हो गई, इसको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय।